200 ट्राइबल चीफ रोमर है सभी के टाइम WWE के इमोर्टल सुपरस्टार बन चुके, जिन्हें हराना किसी भी रेसलर के बस का अब नहीं रहा। और रोमर है WWE रोस्टर के लगभग सारे रेसलर को एक्नॉलेज करवा चुके। अब आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रेसलर के बारे में बताऊंगा जो आने वाले टाइम में ट्राइबल चीफ रोमर रेस को अच्छी टक्कर दे सकते और रोमर रेस को हरा भी सकते। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। नंबर 5, द रॉक। अब दोस्तों मुझे पता है सर, द रॉक WWE में रिटर्न नहीं करने वाले, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि WWE रोमन रेस को तब तक नहीं हराना चाहती जब तक WWE को रोमन रेस के लेवल का कोई सुपरस्टार नहीं मिल जाता। और यकीन मानिए, द रॉक रोमन रेस के लेवल के सुपरस्टार है। और ऐसे अपडेट भी आए कि नेक्स्ट ईयर द रॉक WWE में रिटर्न कर सकते। नंबर 4, सोलो सिकोवा। दोस्तों सोलो सिकोवा रोमन रेस के लिए काफी बड़ी थ्रेट है। कुछ टाइम पहले ऐसे अपडेट आए थे कि WWE सोलो सिकोवा को ब्लड लाइन से अलग करके सिंगल रन दे सकती है। और जब सोलो सिकोवा NXT में रेसल करते थे उस टाइम भी ऐसे अपडेट आए थे कि सोलो सिकोवा ब्लड लाइन ज्वाइन करके पहले सेटल सुपरस्टार बनेंगे और उसके बाद रोमन रेस को हराएंगे। अब गाइस सीरियसली बता दो, सोलो सिकोवा अगर रोमन रेस को हराए तो इस बात का पूरा सेंस बनेगा, क्योंकि सोलो सिकोवा भी समो फैमिली के मेंबर है तो वो ट्राइबल चीफ बनने के लिए रोमन रेस को चैलेंज कर सकते। लेकिन इस बात को होने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि सोलो सिकोवा रोमन रेस के लेवल के अभी आसपास भी नहीं है। नंबर 3, सेमी ज़ेन। दोस्तों राइट नाउ सेमी ज़ेन रोमन रेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत बने हुए। एलिमिनेशन चैम्बर में आपने रोमन विन वी राइट वाले बैनर देखे होंगे, इससे आप समझ सकते हो कि फैंस के भी सेमी ज़ेन को लेकर कितना क्रेज है। आप WWE ने हिंट्स दिए है कि वो सेमी ज़ेन और रोमन रेस का रास्ता अलग करेंगे, लेकिन फैंस के क्रेज को देखते हुए WWE रसलमेनिया के मैच में सेमी ज़ेन को भी ऐड करवा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि सेमी ज़ेन रोमन रेस को हराएंगे। नंबर 2, कोडी रोड्स। यस गाइस, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब अगर आप इंटरनेट पर रोमन रेस के दीदरों के बारे में रेसलिंग फैंस से पूछे तो मेजोरिटी ऑफ रेसलिंग फैंस का आपको एक ही आंसर मिलेगा, कोडी रोड्स। और रसलमेनिया 39 के लिए रोमन रेस और कोडी रोड्स का मैच भी ऑफिशियल है, और इस बात के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेस को हराएंगे। पहला तो फैंस के बीच कोडी रोड्स का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, और दूसरा कोडी रोड्स रोमन रेस के सामने बिलीवेबल सुपरस्टार भी लगते हैं। तो इसीलिए इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि WWE रोमन रेस को कोडी रोड्स के हाथों हरवाएंगी। आप नंबर 1 रेसलर के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट आउट टू अरविंद सरकार एंड शॉर्ट स्टार रामेश्वर 007। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो बड़ा आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1, जे उसो। आप गाइस जे उसो का नाम आपको फर्स्ट पोजीशन पे अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अभी के टाइम जे उसो के रोमन रेस को हराने के सबसे ज्यादा चांसेस है। रोमन रेस ने उनके ट्राइबल चीफ का सफर जे उसो से स्टार्ट किया था, और WWE रोमन रेस के ट्राइबल चीफ का सफर जे उसो के साथ ही एंड करवा सकती है। अभी जे उसो रोमन रेस के रिलेशन भी उतने अच्छे नहीं है जितने पहले थे, तो ऐसा लग रहा है कि WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही है और जिसकी छोटी सी पिक्चर अभी दिखा रही है। सो ये थे 5 रेसलर जो रोमन रेस को आने वाले टाइम में अच्छी टक्कर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रेसलर रोमन रेस को हरा पाएगा, या कोई दूसरा रेसलर रोमन रेस को हराएगा, या रोमन रेस कभी नहीं हारेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।